नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह मर्डर केस में 3 शूटर्स को किया गया गिरफ्तार। एमसीडी चुनाव को टालने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को लिया गया वापस। एमसीडी चुनाव, दिल्ली वालों के लिए अरविंद केजरीवाल ने की 10 गारंटी की योजना लॉन्च। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में भारत गौरव काशी दर्शन, ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी में आग से झुलसकर 3 की मौत, सीएम ने किया मुआवजे का ऐलान। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर शुरू। तमिलनाडु के चेन्नई समेत कई जिलों में भारी बारिश की वजह से स्कूल हुए बंद। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 40 उम्मीदवारों की दूसरी सूची। एमसीडी चुनाव के लिए अब तक सिर्फ 7 उम्मीदवारों ने ही किया नामांकन दाखिल और वे सभी हैं निर्दलीय। और भारत से जीता इंग्लैंड, 13 को पाक से होगा फाइनल और T20 विश्व कप के 16 सेमीफाइनल्स में पहली बार कोई टीम 10 विकेट से हारने का रिकॉर्ड है।